अस्सलाम वालेकुम नाज़िर, नाज़िर के हाल चाल ठीक ठाक। नाज़िर, मैंने जो आपको पहले एक शार्ट दिखाया है कि खाने के लिए कि मशीन क्या कर रही है, लिहाजा हमारा टॉपिक है कि सिलाई मशीन स्किप कर रही है और टांका भी इसका ठीक नहीं है, वो हमने कैसे ठीक करना है इसी मूवी में हम आपको बताएंगे इसका तरीका कार क्या है। ये देखें, स्लो स्लो चला रहा हूँ ताकि आपको समझाएं। ये जो पैर आप देख रहे हैं, ये फुट देख रहे हैं, ये ठीक तरह बैठा नहीं हुआ। इसके जो चल रहा है ठीक नहीं चल रहा। जब ये अपना पूरा दबाव नहीं डालेगा दीदार पर तो सिलाई अच्छी नहीं आएगी। इसका दबाव ठीक होगा दीदार पर तो फिर इसकी सिलाई ठीक हो जाएगी। और इसमें स्किप भी कर रहा है, ये देखिए ये स्किप कर रहा है, यहाँ से कुछ टांके स्किप हो रहे हैं, ये देखिए ये एक हो गया और इसमें से ये पीछे से भी स्किप है। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस फुट को उतार लेना है, चेक करें फुट खराब है क्या खराब है। इसका फुट तो तकरीबन ठीक है, काम देगा। फिर आपने क्या करना है, फेस मत्था, इसका फेस मत्था खोल लेना इधर से, और जो आपने फुट उतारा था, फुट इसलिए उतारा था कि देखने के लिए फुट खराब तो नहीं है, वापस लगाना है जहाँ से आपने खोला था। लूज कर दिए, देख रहे हैं काफ़ी ऊपर है, इसको हम डोर करेंगे थोड़ा। आपने करें यहाँ से पेचकस नीचे से दबा देना पेचकस से, तो फिर ये फुट प्लस जो आप देख रहे हैं गद वाला पैर यानी फुट ये नीचे हो जाएगा। देखें मैंने डोर कर दिया, ये वाला पेच अब मैंने जो लूज किया था वो टाइट करूंगा, ये वाला फेस मत्था आपने दोबारा वापस लगा देना है जहाँ से आपने खोला था, टाइट कर देना आपने फिर दोबारा। अब हम आपको टांका दिखाएंगे कि आपकी मशीन का रिजल्ट क्या है। आपने देखा है कि जो आप मशीन ने ठीक किया है आपके सामने, वो टांका ठीक हुआ है या नहीं हुआ, दोबारा आपने धागा डाल लेना है। फुट बिल्कुल अब ठीक चल रहा है, अब घुमा कर एक सिलाई हो आपको लगा कर दिखाता हूँ, दोबारा चेक करा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये कपड़ा मैंने पीछे मोड़ लिया और फिर टाका कर लगाऊंगा। नाज़िर देखें, टांके पर टांका भी ठीक हो चुका है, ये देखें कहीं पर भी स्किप नहीं है। देखें टांका बिल्कुल शानदार। नाज़िर देखें, पहले जो मैंने टांका लगाया था ये देखें स्किप थी, ये देखें यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, एक और ये देखे दो और ये तीन, तीनों टांके लगाए थे मैंने, इनकी लंबी चाल के स्किप की थी। अब दोबारा मैं उसके बाद ये देखे कई बार स्किप नहीं है, आपको वादा नजर आ रहा होगा। सिर्फ इसका मसला था कि फुट प्रेस नीचे ठीक नहीं बैठा था।
दीवार का मतलब मुझ था वो टाके का था, लेकिन मशीन स्किप कर थी, स्किप के बाद जो सिलाई का खिंचाव था वो भी कम था, वो भी ठीक नहीं चल रहा था और फुट प्रेस भी ठीक नहीं बैठा हुआ था। तो आज का हमारा मौजूद यही था नादिन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमें मैसेज लाजमी किया करें। अगर आपने अपनी मर्जी को वीडियो को बनानी है, यानी कि आपके मशीन में जो कोई फॉल्ट है, तो वो भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो नादिन आज का मौजूद हमारा मौजूद यही था। इंशाल्लाह दोबारा मौजूद नया लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।